हेलो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं KTM के शोरूम पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इफो चौक लिखा हुआ है, और शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो शोरूम के अगर आप देखें तो काफ़ी सारे बाइक यहाँ पे आपको मौजूद है, देखने को मिल जाता है। सामने से अभी हम बाहर में हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अंदर से आपको व्यू दिखाते हैं कि कौन कौन सी मॉडल, कौन कौन सी बाइक यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा सा आप लाइनअप देख सकते हैं बाइकों का, चारों तरफ से यहाँ पे बाइक मौजूद है, और KTM की सारी बाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे आप फ्रंट में आएंगे तो यहाँ पे सबसे नया चेंज यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि KTM की न्यू मॉडल जो अभी लॉन्च हुई है, KTM RC 200 और 125 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये KTM की न्यू मॉडल RC 125 है, और यहाँ पर अगर आप चले तो RC 200 है। तो सारा मॉडल, सारा बाइक KTM का आपको इस शोरूम में देखने को मिल जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर शोरूम का फ़ोन नंबर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एड्रेस भी मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो KTM की ड्यूक 390 है, जो कि पहले वाली मॉडल ही बिल्कुल है, यहाँ पर ये भी मौजूद है। और अगर आप उनके बीच में कंपेयर करें तो ये आप ट्रैक के लिए, रेसिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, फुल्ली फेयरिंग आपको इसमें मिलता है, और ये ड्यूक 390 है, नेकेड बाइक है, ये भी काफ़ी अच्छा पावर आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अभी चले तो यहाँ पे आपको KTM 200 देखने को मिल जाता है। KTM की जो नई मॉडल है RC 125 और 200, दोनों में दो कलर आए हुए हैं, जो कि आपको इस शोरूम में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि RC 200 का एक ऑरेंज और ब्लैक कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अगर आप इधर चले तो यहाँ पे आपको RC 200 का एक सेकेंड कलर, जो कि ऑरेंज और सिल्वर में देखने को मिलता है। नए वाले मॉडल में 125 में आपको ब्लैक और ऑरेंज कलर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो RC 125 का नई मॉडल में जो वाइट और ऑरेंज है, ये कलर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से तो ये लाइनअप कंप्लीट हो गया, जो कि इसमें 390, 200, 125 यहाँ पे मौजूद है, सॉरी वो RC 200 है, तो ये यहाँ पे मौजूद है। और आगे इस साइड चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवेंचर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि एक KTM की 390 एडवेंचर, जो कि काफ़ी हैवी मशीन आपको है, यहाँ पे काफ़ी तगड़ा इसका लुक निकल के सामने आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं KTM की 390 एडवेंचर भी खड़ी हुई है, तो आप शोरूम पे विजिट कर सकते हैं अगर आपको एडवेंचर के लिए एक अच्छा खासा मशीन चाहिए। तो ये KTM की RC 390 है, जो कि एक सिंगल कलर में ही आती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज और ब्लैक कलर में ये देखने को मिल जाती है। और उसके बाद अगर हम चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं KTM की RC 200 न्यू मॉडल यहाँ पे भी खड़ी हुई है, और फिर हम अगर आगे नेक्स्ट चले तो यहाँ पे आप KTM का देख सकते हैं नए लॉन्च बाइक RC 125 यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ब्लैक और ऑरेंज कलर में। इसका और भी एक कलर है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और यहाँ पे चले तो यहाँ पे आप KTM की ड्यूक 125 को देख सकते हैं, ड्यूक की, और जो कि आपको अच्छा खासा इसमें लुक देखने को मिल जाता है। KTM की ड्यूक 125 नेकेड बाइक है, और ये जो सामने में आप देख रहे हैं ये KTM की 125 RC, जो कि फुल फेयरिंग बाइक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो फिर यहाँ पे आपको ड्यूक 125 देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें दोनों कलर आते हैं, जैसे कि देख सकते हैं वाइट और ब्लैक है, दोनों ही ड्यूक 125 125 cc की बाइक है, ये भी 125 cc की बाइक है। इसमें फ़र्क आपको यहाँ पे ऑरेंज और वाइट का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वाइट और ब्लैक का आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, बाकी पावर वगैरह सब कुछ दोनों बाइकों में सेम है। फिर यहाँ नेक्स्ट चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RC 200 है, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बाइक खड़ी है, दोनों RC 125 न्यू मॉडल खड़ी है। फिर अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ड्यूक की 125 है, तो यहाँ पे ये मॉडल भी खड़ी हुई है, और यहाँ पे डुअल चैनल ABS इसमें दिया गया है। तो ये कुछ हो जाते हैं, और यहाँ पे आप देखें तो सबसे अलग मशीन, जो कि है एक मिड सेगमेंट की काफ़ी पावरफुल मशीन, जो कि है KTM की ड्यूक 250। तो 250 cc की ये बाइक है, इसमें आपको सिल्वर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो एक छोटा सा ये शोरूम का रिव्यू था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शोरूम पे सारी बाइकें यहाँ पे खड़ी है। अभी मैं फ्रंट पे खड़ा हूँ, जैसा कि देख सकते हैं ये मेरे पीछे गेट लगी हुई है, तो फ्रंट पे है, तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से लुक इसका निकल के सामने आता है। इस साइड भी बाइक है, और उस साइड भी बाइक है, और इस साइड भी बाइक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारी बाइक आपको मिल जाएगी, बाकी यहाँ पे टेस्ट राइड भी आपको मिल जाएगा। और खासियत इस शोरूम का ये है कि आपको कम डॉक्यूमेंट में लोन फाइनेंस हो जाता है, 90 से 95% का लोन फाइनेंस हो जाएगा, लोन आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको लो इंटरेस्ट रेट है,
और यहाँ पे कम से कम आपको डाउन पेमेंट भी लगता है, जो कि काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाता है अगर आप बाइक लेना चाह रहे हैं और पैसा नहीं है, कम पड़ जाता है, तो लोन फाइनेंस करवाने में आपको कम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और 90-95% तक आपका फाइनेंस हो जाता है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू वाला वीडियो। अगर आपको चाहिए कि किस शोरूम पे सारा KTM का मॉडल खड़ा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर KTM का सारा मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल यही, मिलते किसी और नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।